हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग लर्न एंड फन। आज मैं आपको सिखाऊंगी एडिशन ऑफ 789 बाय एबेकस। मैं आपको अपनी लास्ट वीडियोस में फिंगर कैलकुलेशंस, टेबल ऑफ टू एंड सिंपल एडिशंस, एडिशन ऑफ 9 एंड टेबल ऑफ 9 ये सब सिखा चुकी हूँ। इन सब का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको ये सब क्लियर करना है तो आपको पहले मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देखना होगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल हैशटैग लर्न एंड फन की प्लेलिस्ट में भी हमारी इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सिखाना स्टार्ट करती हूँ। और एक बात और, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप आगे और अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है 12 + 9। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी क्लियर कर चुकी हूँ 12 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। 10, लेफ्ट हैंड की फिंगर की वैल्यू क्या थी, 10 प्लस 2, ये हो गया 12। अब क्या करना है हमें, प्लस 9 के लिए क्या करते हैं, +10 - 1, +10 - 1, क्या आंसर आया, 10, 20 and 1, 21। नेक्स्ट नंबर इज 23 + 29, कैसे रिप्रेजेंट करना है 23, 20 and 3, क्या हो गया 23, प्लस करना है 29। सबसे पहले आप 20 को तो एक बड़ी इजीली रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हो गया 20, टेंस प्लेस तो हो गया। अब हमें इसमें +10 और करना है और -1 करना है, तो +10 कैसे करेंगे, ये 40 है। अब हम करेंगे +10 के लिए 50 को ओपन और इन सबको कर देंगे क्लोज, तो ये क्या हो गया, +10 हो गया। 40 + 10 कितना होता है, 50, और हमारे थम की वैल्यू क्या है, 50। +10 हो चुका है, इधर से हम कर देंगे -1, देन आंसर इज 52। क्लियर हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। अगला नंबर है 13 + 8। अब आप सोच रहे होंगे 8 वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने क्लियर किया ही नहीं। 8 के कॉन्सेप्ट के लिए बिल्कुल 9 की तरह ही आपको +10 करना है और -2 करना है। क्या करेंगे, +10 - 2, 13 + 8, 13 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 + 3, 13 प्लस 8 के लिए क्या करना है, +10 - 2, व्हाट इज आंसर, 21। नेक्स्ट नंबर इज 22 + 18, टू फिंगर्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 20, टू फिंगर फ्रॉम राइट हैंड साइड 2, 22, प्लस करना है 18। तो सबसे पहले 10 प्लस हम पहले ही ऐड कर देंगे, 10 हमने पहले ही ऐड कर दिया। अब 8 के लिए क्या करना है, +10 - 2, 1 फिंगर मोर ओपन, +10 हो चुका है, -2, आंसर इज 10, 20, 30 and 40। अगली डिजिट पर मैं लेके चलती हूँ आपको, 34 + 28, 34 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 फिंगर्स 30, 4 फिंगर्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये हो गया 34, प्लस करना है अब हमको 28। तो आप सोच रहे होंगे अब 20 इसमें कैसे ऐड करना है, ये हमने 10 ओपन कर दिया, प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, थम को ओपन करेंगे, इन सबको क्लोज कर देंगे, ये हो गया 50। अब क्या करेंगे, +10 - 2, +10 के लिए 1 फिंगर ओपन, -2, आंसर इज 50, 60, 1, 2, 62। चलिए अब 8 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा और सिखाती रहूँगी, और आपको इसकी प्रैक्टिस अपने घर पर जरूर करनी है। सेम कॉन्सेप्ट हमारे 7 का भी होता है, आज मैं आपको 7 तक ही सिखाऊंगी, इससे ज़्यादा आप एक बार में नहीं सीख पाएंगे। तो हम 7 के एग्जाम्पल पर चल रहे हैं, 7 + 7 = क्या होता है, वही तो हमें गैस करना है। 7 को रिप्रेजेंट कैसे किया, थम ओपन किया, थम की वैल्यू क्या थी, 5, 6, 7, +7 के लिए क्या करना है, +10 - 3, +10 तो हम कर देंगे एंड माइनस
माइनस थ्री के लिए अब हमें क्या करना होगा? अब आप बहुत कंफ्यूज होंगे, इसकी वैल्यू फाइव है और ये सिर्फ टू फिंगर से, माइनस थ्री कैसे करना है? माइनस थ्री करने के लिए क्या कहेंगे? इसकी वैल्यू है फाइव, तो हम इसको क्लोज करेंगे और टू फिंगर्स को अप कर देंगे, तो हो गया ना माइनस थ्री, हो गया ना। अब आप इनको काउंट कीजिए, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, सेवन प्लस सेवन फोर्टीन, नेक्स्ट नंबर है सिक्सटीन प्लस सेवनटीन। सिक्सटीन को कैसे रिप्रेजेंट करना है? टेन फाइव वन सिक्स, सिक्सटीन प्लस सेवनटीन के लिए वन फिंगर ओपन, ये हमारा टेंस प्लेस हो गया। अब सेवन के लिए फिर से करना है प्लस टेन माइनस थ्री, ये हमने प्लस टेन कर दिया। माइनस थ्री के लिए फिर से क्या करेंगे? थंब को क्लोज किया, टू फिंगर्स इधर से ओपन कर दी, तो क्या आया? टेन ट्वेंटी थर्टी, वन टू थ्री, थर्टी थ्री। नेक्स्ट नंबर इज ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी सेवन। ट्वेंटी नाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ट्वेंटी प्लस नाइन, ये तो पता ही होगा ना, इस हाथ की वैल्यू नाइन होती है, प्लस करना है ट्वेंटी सेवन। सबसे पहले ट्वेंटी के लिए दोनों फिंगर्स को ओपन कर दिया, प्लस सेवन के लिए क्या करना है? प्लस टेन माइनस थ्री। अब प्लस टेन कैसे करना है आपको? थंब की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको? फिफ्टी। थंब को ओपन करेंगे, इन सबको क्लोज कर देंगे, हो गया प्लस टेन फिफ्टी, और यहां से क्या करना है? माइनस करना है थ्री, क्या आया? फिफ्टी सिक्स। आपके लिए अभी थोड़ा मुश्किल है, एक बार में आप नहीं क्लियर कर पाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एक बार में क्लियर ना हो तो आप इस वीडियो को दो बार देखें, तीन बार देखें, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी।